आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लग जाएंगे। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे भी बदल जाएंगे। इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है और कुछ हटाई भी गई है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में भी काफी बदलाव होगा। वहीं इसको लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिनको न्याय मिलेगा वो बताएंगे कि न्याय मिला या नहीं, मगर मुझे लगता है कि ये जो 3 कानून जबरदस्ती लागू किया गया है, इसका सोच विचार, इसका बहस जो होनी चाहिए थी हुआ नहीं। अफसोस इस बात की है। आप मेहरबानी करके आप लाके हम पे थोप देते हैं और कहते कि नहीं आपकी फायदा होगी, ये सोचने की बात है। देखिए, एक तो इससे जुडिशरी पर, हमारे कोर्ट्स पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आज से 2 तरह के क्रिमिनल लॉ सिस्टम हमारे देश में होंगे। जब जो पुराने वाले क्रिमिनल लॉस थे, जब वो ऑपरेशन में आए तो 1973 में 6 लॉ कमीशन बैठे थे, 13 साल की लंबी चर्चा हुई थी। जितने भी ऐसे लॉस थे जिसमें कॉलोनियल पास्ट रिफ्लेक्ट होता था, जिससे अंग्रेज पुलिस ब्रुटालिटी कर पाते थे, लोगों की आवाज दबा पाते थे, उन सब कानूनों को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लंबे अरसे के बाद बहुत कानूनों में संशोधन हुआ, जैसे कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो जिसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस दिखता हो तो पुलिस के लिए अनिवार्य होता था FIR रजिस्टर करना। किडनैपिंग, थेफ्ट, अगर आप ऐसी कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास जाएंगे तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको कंप्लेंट रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। पर जो भाजपा ये नए कानून लेकर आई है, बिना किसी चर्चा के लेकर आई है, 140 सांसदों को, 140 से ऊपर इनफैक्ट सांसदों को संसद से निकालने के बाद बिना चर्चा के ये जो कानून लेकर आई है, ये वापस हमें प्री कॉलोनियल टाइम्स में ले जाएंगे, जहां पुलिस ब्रुटैलिटी बढ़ेगी, करप्शन बहुत बढ़ेगी। सरकार गुजरात मॉडल के लिए करप्शन का एक और जरिया खुल गया है। ये कानून को इतनी जल्दी नोटिफाई करने की क्या जरूरत थी, इसका कुछ पता नहीं है। बिना चर्चा के इनको लाना क्यों जरूरत थी, इसका पता नहीं है। निश्चित तौर पर धीरे धीरे जब ये कोर्ट पहुंचेंगे तो ये कानून वापस लिए जाएंगे। ब्रिटेन की संसद में पारित कानूनों से भारत में प्रशासन आगे बढ़ रहा था, अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप, हमारे प्रावधानों के अनुरूप, हमारे मान्यताओं के अनुरूप जो प्रावधान होने चाहिए वो 3 कानून आज से लागू हो रहे हैं। आज रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं और अब जो FIR होंगे वो नए धाराओं के अंतर्गत होंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें मैं आपको एक ही बिंदु कहना चाहूँगा कि पहले राजद्रोह हुआ करता था, राजा को गाली देने से धाराएं लगती थी, गैर जमानती। अब राजद्रोह समाप्त हो गया है, अब राष्ट्रद्रोह है। अगर किसी ने देश को गाली दी या देश की संपत्ति का नुकसान किया तो बड़ी धाराएं लगेंगी। ये विषय है, 3 नए कानून का विषय नहीं है। अब उसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की संज्ञा दी गई या अलग अलग नाम लिख लिए गए, कानून तो था ही, देश तो कानून के ही रास्ते से चल रहा था, रूल ऑफ लॉ तो था ही। ये कंफ्यूज करने के लिए मीडिया इस वक्त 3 नए कानून। अब हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इसी तरह से गणना कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो गाड़ियां चलाई थी उसका नंबर रखा था 100 नंबर, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 112 कर दिया। उसी तरह से इन्होंने कुछ नाम बदले हैं, बाकी कानून में क्या बदलाव किया गया है अब उसको अध्ययन करने की जरूरत है, देखा जाएगा प्रैक्टिकल क्या है, कानून विद और उसके जानकार। As you know, our concern was they were not fully discussed in Parliament because all the opposition was suspended. So it would have benefited from a further discussion. But you know, the law is the law, we'll have to observe it. No, our point was precisely that there was never a full discussion in Parliament. And that's something that was very regrettable for such a major thing that affects the lives of everybody and affects all the way in which our country functions in the criminal area. It's very important that we actually have discussions in Parliament, and that remains our demand, but it may not be
At this point, it may not be possible to forestall the implementation today.